ये देखें जायरीन, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्प्रे। अरे मौला का खिदमत कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा शौक से काम कर रहे हैं। ये करबला मौला का 313 मौके पे खादिम अल हुसैन और काफला रवा दवा है। ये यहाँ पे सबीर है, मौला हुसैन है। देखें ऑटोमेटेड सिस्टम चल रहा है, नल लगाया है इन्होंने। तो ये एक चीज़ मैंने देखी है, तो मैंने कहा क्यों ना दिखाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं इस टाइम पोल नंबर 26 करबला मोहल्ला के अंदर, जो मशहद और सॉरी नजफ़ और करबला से मशी होती है, उसके दरमियान इस टाइम मौजूद हूँ। और हमारा जो हदफ था मौकिब का, उसके लिए हम रवा दवा हैं। कल अलहम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे, लेकिन वो 3 दिन की थकावट थी काफ़ी, तो उसकी वजह से कल कवरेज नहीं कर सका। आज इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं, सुबह का वक्त है। हमारी पहली टीम तो पहुंच चुकी है और अब हम भी निकल गए हैं, तो बस दिखाते जाएंगे। अभी तो हम पैदल रवा दवा हैं, लेकिन हमने बैठना है चिंची में, ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं मौके पे, और फिर आपको मजीद दिखा। देखें जायरीन की खिदमत में ना पूरा पूरा स्प्रे होता है, ताकि ना, हालांकि ये फौज ही है बट ही इज़ डूइंग इट। ये मौके पे आप समझ लें वो वहाँ पे फलाफल बिक रहा है और ये सारी चीज़ें इस तरह चल रही हैं। आज का दिन भी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अभी तो हल्के हल्के शॉर्ट्स ले रहा हूँ। ये देखें जायरीन, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्प्रे। हमने ना एक टैक्सी के अंदर बैठ गए, टैक्सी नहीं पोस्टर है, क्योंकि हमने वहाँ जाना था। ये अगर हम नहीं बैठते तो देर हो जाती। ये सारे साथी हैं और ये हम हैं, जा रहे हैं। लेट्स गो। टेल लिया मैंने, क्योंकि सर्दी बहुत हो गई, गर्मी बहुत हो गई है। आज उल्टा चल रहा है, क्योंकि जो 2-3 दिन से हमारा हाल हुआ हुआ है ना स्लीप साइकिल, आज तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है अच्छे से सो। ये सारे मौके पे और ये सारी वो जगह है जहाँ से मशी होती है, पोल नंबर 62। इसी तरह ये रवा दवा है, और गर्मी की शिद्दत की वजह से देख लें पानी के स्प्रे चल रहे हैं। शिद्दत बहुत ज़्यादा है, मेरा खुद सर चकरा रहा है, लेकिन क्या करें, ये इश्क हुसैनी है और ये कारवां चलता रहा है। हम है ना हो, चलता रहेगा इंशाल्लाह। ये देखें कितना बड़ा इन्होंने सिस्टम लगाया था पानी देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। और अभी ये पूछते जा रहे हैं कि भाई किसको कितना जाना है। अभी बंदे ने पूछा और दो उसको बताया आपके। जी भाई, तो ये हमें उसने हमारी येरी वैस इसने हमें उतार दिया है हमारे उमूद पर, और अब आप समझ लें कि हम अपने उमूद पर रवा दवा हैं। आपको हमारा दिखाते हैं। इस दफ़ा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि पिछली दफ़ा ना यहाँ लगता था, ये जो सामने है ना जगह स्पेस, अब इन्होंने इस दफ़ा कार पार्किंग कर दी और हमें लगाने नहीं दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा मसला आएगा। अब हम अंदर चलते हैं जहाँ हमारा मौकिब लगता था, देखते हैं वहाँ के क्या तासुरात हैं। ये रहा 303 मौकिब, 303 नहीं 313, ये बेसिकली मौकिब है। और इसके अंदर ये जो नीचे की जगह है ये ख़वातीन की सोने की जगह है, ऊपर की जगह जेंट्स की, और राइट और लेफ्ट है। जी भाई, तो आप समझ लें ये हुसैन भाई ने पुलाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे तो ये काम हमारा है टेरिटरी का, लेकिन अभी कर रहे हैं। इसके अंदर टमाटर का जग मांग रहे हैं भाई, ये ले लो टमाटर का जग। अभी ये टमाटर का जग दिया, और ये ज़ाहरी ने नाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत है। दही का भाई, दही का ये लो दही। एक्चुअली आज फर्स्ट डे है ना, तो चीज़ें तरतीब नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना चीज़ें तरतीब में आ जाएंगी इंशाल्लाह। क्योंकि फर्स्ट डे के अंदर हमेशा होता है, वो हमारे ज़ीशान भाई हैं, कोई ना कोई फनकारी में लगे हुए हैं। वाह जी वाह। ये हुसैन भाई कितने बंदों की बन रही है कम अज़ कम? आराम से खा लेंगे, 80 बंदा खा लेंगे। अच्छा, 80 बंदा खा लेगा, और ये ऑलरेडी 80 बंदे का रेडी है कढ़ाई। तो बस आप समझ लें कि पहला दिन, 13 सफ़र, 313 मौके की तैयारियाँ हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब तक, क्योंकि रात में लोग पैदल चलेंगे, हमारा
कम से कम 500 बंदे का खाना रेडी होगा इंशाल्लाह। कर रहे हैं मौला का खिदमत कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा शौक से काम कर रहे हैं। बस ये गर्म बहुत है, कपड़ा नहीं है आज, थोड़ा रुई चुए लेकिन क्या करे, बर्दाश्त करना पड़े। चम्मच उल्टा कर बच्चा, चम्मच उल्टा कर। आई शाबाश, हार्ड बनाओ, हार्ड किचन में हार्ड बनाओ, हार्ड इसमें हार्ड कैसे बनेगा ये पकड़ नहीं सकते, हार्ड बनाओ। अच्छा गर्म है ना, चलो अभी क्योंकि आज हमारी एसेसरीज पूरी नहीं है ना, एसेसरीज पूरी आ जाएंगी तो फिर मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अभी हमने जुगाड़ पे पेप्सी बनाई है क्योंकि यहाँ मिलती नहीं हर चीज़, तो अब उसके अंदर लगे हुए इंशाल्लाह। हुसैन भाई गिलास का जुगाड़ है ये भाई, यहाँ पे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन शुरू है। ये हमारे हुसैन भाई हैं और ये पूरा मौके पे 313 है, और ये हमारा अबू मोहम्मद का फिलफिल है। तेरा बन रहा है ना भाई, 2-in-1 काम हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जी। ये देखें ये फुहारा मार रहा है और इससे मैं भी लगवा के आया हूँ अभी, तो सही से कहते हैं ना इस टाइम पे रिफ्रेशिंग चाहिए क्योंकि ये आसान नहीं है। बस परवरदिगार तमाम ज़ायरीन की तमाम हाजात कबूल फरमाए, मौला हुसैन की शफाअत नसीब फरमाए। ये देखें ये करबला मोहल्ला का 313 मौकफ़ है, खादिम अल हुसैन और काफला रवा दवा है। ये यहाँ पे सबीर है मौला हुसैन है, देखें ऑटोमेटेड सिस्टम चल रहा है, नल लगाया है उन्होंने। हाजी गिलास गिलास ये गिलास मिल गया, नल खोलेगा अभी छोटा, क्या बात है। आजी आजी खानम बस, क्या इसने ऑटोमेटिक, क्या इन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया, टैंक लग रहा है उसको भरे जा रहे हैं और उसमें से पानी निकाले जा रहे हैं। ये देखें और ये जितनी दूर आपकी नज़र जाएगी ना सिर्फ काफला ही काफला है, ये देखें सिर्फ लोग ही लोग नज़र आएंगे, इधर देखेंगे तो लोग ही लोग नज़र आएंगे। और आज 13 सफ़र है, 7 जिलों भी बोला हुसैन के अरबईन में बाकी है। मगरब का वक्त इस टाइम हो चुका है और मैं क्या कहते हैं आज के इस व्लॉग को इख्तिताम पज़ीर पे हूँ। मगरब की नमाज़ हो रही है, ये देखें रश चेक करें, तो ये एक चीज़ मैंने देखी है तो मैंने कहा क्यों ना दिखाएं। ये बेसिकली यहाँ पे मौके अल साबरीन उमू 317 इधर मौजूद है, मैंस वुमेंस टेलरिंग रिपेयर, तो आप समझ लें मैंने कहा क्यों ना दिखाऊँ ये मैं, कि ये बेसिकली फी सबीलिल्लाह यहाँ पे रिपेयर का काम है। कोई भी आपका कपड़ा हो, कोई भी आपकी चेयर हो, खातून प्लस वो दोनों मौजूद हैं जो इस टाइम पे ये रिपेयर कर रहे हैं, ये देखें। और ये रिपेयर इसका है क्योंकि जब यहाँ ट्रैवल करते हैं 90 किलोमीटर तो हर वो चीज़ को प्रॉब्लम आती है ना, जैसे मुझे याद है मैं अम्मी के साथ था, व्हील चेयर का टायर टूट गया था, तो उस व्हील चेयर के टायर के लिए हम आते थे, तो आप समझ लें कि ये वो ही उसी में से एक हिस्सा है कि जो खिदमत खल कर रहे हैं और मौला हुसैन के खादिमीन में से खादिमीन है जो इस टाइम पे इसके लिए काम कर रहे हैं। तो इनको भी अपनी दुआओं में बहुत सी याद करें, याद रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।